हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है और कभी इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि स्किन पर रेडनेस आ जाती है और स्किन बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई देने, स्किन पर एक काली सी परत जमा हो जाती है, स्किन पर कुछ भी ग्लो नहीं रहता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में एक ऐसा फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ जिससे स्किन की ड्राइनेस कम्प्लीटली रिमूव होगी, स्किन पर ग्लो आएगा और स्किन की जितनी भी रेडनेस है वो सभी दूर होगी और स्किन पर जो काली परत जमा हो जाती है सर्दियों में वो भी रिमूव हो जाएगी और पूरे सर्दियों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है और आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी अगर आप मेरे बताए हुए इस फेस पैक को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपना फेस पैक तैयार करना है और उसे फिर कैसे यूज़ करना है। अपना फेस पैक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पका हुआ केला लिया है। केला हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम करता है। केले को मैं अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी और फिर से अच्छी तरह से मैश करूँगी। आप चाहें तो केले को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना सकते हैं। इस तरीके से इसे पीस कर हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ मैंने हनी लिया है। हनी मैं इसमें एक चम्मच मिक्स करूँगी। हनी हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम करता है, स्किन की डलनेस को दूर करता है और स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। ये मैंने यहाँ इसमें हाफ स्पून मिक्स किया है जो हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें एक चम्मच कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है जो मैंने आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ही लिया है, जिससे कि हमारा ये फेस पैक एक माइल्ड स्क्रबर की तरह से भी काम करे और स्किन की डेड सेल्स को रिमूव करें। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है। हमने फेस पैक तैयार किया था, इसे मैं अब आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसे पहले अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लें। दोनों हाथों से इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और जो इसमें हमने चावल का आटा मिक्स किया था वो एक माइल्ड स्क्रबर की तरह से काम करेगा। हमारे जो भी डेड सेल्स होंगी उन्हें बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे रिमूव करना है। इस तरीके से ये एक माइल्ड स्क्रबर भी है और हम जो इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स किया है वो हमारी स्किन को डीपली नरिश करेगा, हमारी स्किन की सारी ड्राइनेस को रिमूव करेगा। करीब 4 से 5 मिनट के लिए हमें इससे अपने फेस की मसाज करनी है अच्छे से, जिससे कि जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाए और जो इसमें कोकोनट ऑयल है वो हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी स्किन की सारी ड्राइनेस को रिमूव कर दें। में जो केला है और शहद है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। आप इस फेस पैक को अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो इसे आप अपने हाथों पर भी अप्लाई करें। इस तरीके से मसाज मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ दूंगी।
मैं फ़ेस धो चुकी हूँ। 15 मिनट लगाने के बाद मैंने फ़ेस वॉश किया है और इसके बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। स्किन पे जितनी भी ड्राइनेस थी वो सब दूर हो गई है, क्योंकि इसमें हमने जो कोकोनट ऑयल मिक्स किया था वो हमारी स्किन की ड्राइनेस को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। इससे स्किन बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ फील हो रही है। तो ये था हमारा फेस पैक, जिसको यूज़ करने से स्किन की ड्राइनेस कम्प्लीटली रिमूव होगी। आप इस फेस पैक को ऑल्टरनेट डेज पर भी यूज़ कर सकते हैं और डेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। और अगर आप इसे डेली यूज़ कर रहे हैं तब इसमें डेली चावल का आटा स्किप कर दें, सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पर ही चावल के आटे का यूज़ करें। एक बार इस फेस पैक को ज़रूर यूज़ करना और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये फेस पैक पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।